आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, दुनिया की सबसे महंगी जमीन कहाँ बिकी? लंदन में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में? उत्तर है भारत के पंजाब राज्य में, जहाँ मुगलों के दीवान टोडरमल जी जैन ने मुगलों से ही सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के लिए 4 गज भूमि, 780 किलो सोना, 780 किलो सोना मतलब 400 करोड़ रुपए में खरीदी। घटना हजारों वर्ष पुरानी नहीं, कुछ ही समय पहले की है। जब गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार पर संकट आया तो एक जैन व्यक्ति ने असाधारण मानवता दिखाते हुए गुरु गोविंद सिंह जी के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, और त्यागने के बाद गुरु साहिब से क्या कहा? दीवान टोडरमल जी जैन के वो शब्द आपको रुला देंगे। इस अद्भुत मानवता ने दीवान टोडरमल जी जैन को सिखों के इतिहास में अमर कर दिया। लेकिन उस समय गुरु साहिब के परिवार पर ऐसा क्या संकट आया कि टोडरमल जी जैन ने जैन होते हुए अपना सब कुछ मानवता के लिए न्यौछावर कर दिया? क्यों उन्होंने मुगलों से 4 गज भूमि 400 करोड़ में खरीदी थी? पूरा जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार आनंदपुर साहिब त्यागने के बाद सरसा नदी के किनारे बिछड़ गया। गुरु गोविंद सिंह अलग हो गए और उनकी माता गुजरी माता सहित दोनों बेटे बाबा जोरावर सिंह व बाबा फतेह सिंह अलग हो गए। उस समय उनके दोनों साहिबजादों की उम्र मात्र 9 वर्ष व 6 वर्ष थी। गुरु साहिब से बिछड़ने के बाद माता गुजरी व दोनों साहिबजादों को उनका नौकर गंगू अपने गाँव ले गया। गंगू ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां से इनाम लेने के लालच में सारी खबर उसे बता दी। इसके चलते साहिबजादों को बंदी बनाकर सरहिंद फौजदार नवाब वजीर खां की कचहरी में पेश किया गया। नवाब ने उन पर इस्लाम कबूल करने का जोर बनाया, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह व बाबा फतेह सिंह ने इस्लाम नहीं कबूलते हुए शहीद होना ठीक समझा, तो मुगल फौजदार नवाब वजीर खां ने साहिबजादों को जीवित ही दीवार में चिनवा दिया। जब माता गुजरी को इस दुखद घटना का पता चला तो वे इस सदमे को झेल ना पाई और उनकी भी मृत्यु हो गई। माता गुजरी व दोनों साहिबजादों के पार्थिव शरीर के दाह संस्कार करने के लिए वहाँ कोई नहीं था। गुरु परिवार पर इतने संकट के बावजूद हर किसी ने मुगलों के डर से स्वयं को पीछे हटा लिया। तब जैन रत्न टोडरमल जी जैन ने अपना फर्ज निभाते हुए गुरु साहिब के प्रति जो वफादारी निभाई, उसने उन्हें सिख इतिहास में अमर कर दिया। दीवान टोडरमल जी जैन जैन धर्म में बड़ी आस्था रखते थे। उन्होंने वजीर खां से साहिबजादों के पार्थिव शरीर की मांग की और वह भूमि जहां वे शहीद हुए वहीं पर उनकी अंत्येष्टि करने की इच्छा प्रकट की। वजीर खां ने दृष्टता दिखाते हुए भूमि देने के लिए एक अटपटी और अनुचित मांग रखी। उसने मांग रखी कि इस भूमि पर सोने की मोहरें बिछाने पर जितनी मोहरें आएंगी वही इस भूमि का दाम होगा। दीवान टोडरमल ने अपने सब भंडार खाली करके जब मोहरे भूमि पर बिछानी शुरू की तो वजीर खां ने दृष्टता की पराकाष्ठा पार करते हुए कहा कि मोहरे बिछाकर नहीं बल्कि खड़ी करके वर्टिकली रखी जाए ताकि अधिक से अधिक मोहरे वसूली जा सके। खैर, दीवान साहब ने अपना सब कुछ बेच बाज कर और मोहरे इकट्ठी की और 78,000 सोने की मोहरे देकर 4 गज भूमि को खरीदा ताकि गुरुजी के साहिबजादों का अंतिम संस्कार वहां किया जा सके। विश्व के इतिहास में ना तो ऐसे त्याग की कोई और मिसाल मिलती है और ना ही कहीं पर किसी भूमि के टुकड़े का इतना भारी मूल्य आज तक चुकाया गया। लेकिन आगे और सुनिए, अभी बहुत कुछ बाकी है। और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इसके बाद टोडरमल जी को वजीर खां के क्रोध का खामियाजा भुगतना पड़ा और उन्हें व उनके परिवार को उसी समय उनकी भव्य हवेली छोड़नी पड़ी और उन्हें गुमनामी में रहने के लिए पंजाब में ही कहीं छोड़ दिया गया। जब बाद में गुरु गोविंद सिंह जी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने दीवान टोडरमल से कृतज्ञता प्रकट की और उनसे कहा कि वे उनके त्याग से बहुत प्रभावित हैं तथा उनसे इस त्याग के बदले में कुछ मांगने को कहा। जरा सोचिए, दीवान टोडरमल ने क्या मांगा होगा गुरुजी से? दीवान जी ने गुरुजी से क्या मांगा उसकी कल्पना करना भी असंभव है। दीवान टोडरमल जी ने गुरु साहिब से कहा कि यदि कुछ देना ही चाहते हैं तो कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरे घर पे कोई पुत्र न जन्म ले और मेरी वंशावली वहीं मेरे साथ ही समाप्त हो जाए। क्या यह सुनकर आप आश्चर्यचकित रह गए? इस अप्रत्याशित मांग पर गुरुजी सहित वहां उपस्थित सब लोग भी हक्के बक्के रह गए थे। गुरुजी ने दीवान जी से इस अद्भुत मांग का कारण पूछा तो दीवान जी का उत्तर ऐसा था जो रोंगटे खड़े कर दे। दीवान टोडरमल ने उत्तर दिया कि गुरुजी, यह जो भूमि इतना महंगा दाम देकर खरीदी गई और आपके चरणों में न्यौछावर की गई, मैं नहीं चाहता कि कल को मेरे वंश आने वाली नस्लों में से कोई कहे कि यह भूमि मेरे पुरखों ने खरीदी थी। यह थी निस्वार्थ त्याग और भक्ति की आज तक की सबसे बड़ी मिसाल।
आज किसी धार्मिक स्थल पर चार ईंट लगवाने पर भी लोग अपने नाम की पट्टी पहले लगवाते हैं, एक पंखा तक लगवाने पर उसके पंखड़ियों पर अपने नाम छपवाते हैं। इस पूरी घटना से यह पता चलता है कि जैन समाज अपने से अन्य धर्म और धार्मिकों के प्रति कितनी उदार दृष्टि रखता आया है। जैनों द्वारा इस प्रकार की धार्मिक सहिष्णुता के हजारों किस्से हैं। आज सिर्फ आवश्यकता है उन महान किस्सों व कार्यों को उजागर करने की। आज सांप्रदायिक द्वेष के कांटों भरे पेड़ों को ज्यादा सींचने के दुर्भाग्यपूर्ण माहौल के बीच इस प्रकार के उदाहरणों को प्रेरणा एवं सामाजिक सौहार्द के लिए आपके सामने रखना ज्यादा आवश्यक हो गया था। मित्रों, आप भी एक काम कीजिए, इस वीडियो को अपने सभी जैन ग्रुप्स व मित्रों के साथ शेयर करें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइए। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके ऐसी ही जैन धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल तुषार जैन को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।